446 में आकर शियों की हुकूमत को ख़त्म किया तुगरल बेग सलजूकी ने। सलजूक मुसलमान हुए थे महमूद गजनवी के दौर में। सलजूक इनके बड़े का नाम था। तो एक दफ़ा महमूद गजनवी ने सलजूक से पूछा, अगर मुझे तेरी मदद की ज़रूरत हो तो कितने आदमी पेश कर सकते हो? तो उसने एक तीर दिया, कहा ये एक तीर है मेरा, किसी को ये तीर भेजकर मेरे इलाके में भेज दो तो चंद घंटों में 1,00,000 तलवारें तेरा पैरा देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास इतनी ताकत है। तो ये सलजूक की नस्ल में था तुगरल, तुगरल बेग। अल्लाह ताला ने जब अरब जवाल का शिकार हो गए और ज़ोफ़ का शिकार हो गए, जैसे बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं, जब कौमों पे जवाल आता है तो उसका भी कोई इलाज नहीं, फिर और कौम को जगह मिलती है। जैसे बुढ़ापा एक फ़र्द पे आता है, ऐसे बुढ़ापा कौम पे आता है। कौम का बुढ़ापा जवानी में नहीं लौट सकता, जैसे फ़र्द का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता, कौम का बुढ़ापा जवानी की तरफ नहीं लौट सकता। कोई इलाज नहीं, नई नस्ल का आना ही इलाज है। तो अरब धुल चुके थे, 600 साल बहुत होते हैं हुकूमत को, अपनी सिफात गुम कर चुके थे, अब नए खून की ज़रूरत। तुगरल बेग पहला शख्स था जिसने आकर अहल सुन्नत वल जमात को इस्तेकाम बख्शा, शियों की हुकूमत को ख़त्म किया बगदाद से, शाम से, इन सारे इलाकों से। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस्माइली शिया की हुकूमत को ख़त्म किया मिस्र। अल आज़िदुन का आखिरी खलीफा था सलाहुद्दीन अयूबी। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह का परवरदा था, उसका दोस्त था, उसके दोस्त भी था, बच्चा भी था उसके सामने, ज़्यादा लिखने पढ़ने का शौक़ था, पर अल्लाह ताला ने इससे काम लिया और इसको मिस्र का गवर्नर बना के भेजा, मिस्र की मदद कर मदद के लिए भेजा। तो वहाँ उसने सलाहुद्दीन अयूबी ने वहाँ ख़त्म किया, तुगरल बेग ने यहाँ ख़त्म किया। तो फिर सलजूक जो थे ना, ये इख्तदार में आए, इधर ख़त्म हो गई सल्तनत बनू अब्बास की, मिस्र एक छोटी सी तुर्कों की सल्तनत। तो अल्लाह ताला फिर मरकजियत के लिए एक निज़ाम चलाया, दो लश्कर आपस में लड़ रहे हैं एक मैदान, एक जंगली बद्दुओं का काफिला, जंगल के लोग अपने कबीले को लेकर, एक जंगली कबीला अपने सरदार के साथ नकल मकानी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अल्लाह का निज़ाम कि ये लोग चलते 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 उस वादी में पहुंच गए जहां जंग हो रही है, दो लश्कर आपस में लड़ रहे हैं। जब ये वहां पहुंचते हैं तो एक लश्कर के कदम उखड़ रहे हैं और दूसरा गालिब आ रहा है। इनको नहीं पता शिकस्त खाने वाले कौन हैं और फतह पाने वाले कौन हैं, इनको नहीं पता। इस जंगली कबीले के सरदार का नाम भी तुगरल है, तुगरल। तो ये सरदार कहता है जो शिकस्त खा रहे हैं उनकी मदद करो, कुछ पता नहीं कौन है, कहता जो शिकस्त खा रहे हैं इनकी मदद करो। तो 400 वैशी जंगलियों ने फाते लश्कर के पीछे हमला कर दिया। वो तो एक काफी होता था, 400 दौड़ दौड़ जब तलवारें पड़ी तो चंद लम्हों में नक्शा बदल गया, भागने वाले जम गए और जमने वाले भाग पड़े। जब जंग खत्म हुई तो शिकस्त खुर्दा लश्कर के बादशाह ने इनको बुलाया, उसे पूछता है मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कहा नहीं। कहा तो तुमने मेरी मदद क्यों की? कहा इंसानी हमदर्दी की वजह से, तुम्हें शिकस्त हो रही थी इसलिए तुम्हारी मदद की। और उसने अपना तारुफ कराया, मैं हूं सुलेमान सलजूकी तुर्की का बादशाह, मुसलमानों का लश्कर था और तातारियों से शिकस्त खा रहा था, तातारी फतह पा रहे थे, मुसलमान शिकस्त खा रहे थे।
तो वो अल्लाह की गैबी मदद बन कर आए, तो वो उससे कहता है मेरे साथ रहना पसंद करो, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ, मेरे साथ रहना पसंद करोगे? कहने का कर लूँगा। तो उसको लेकर तुर्की आया, और इस्तांबुल उस वक्त रोम की हुकूमत में था, उसे फतह किया इस तुगरल के आगे चौथे पांचवें पड़पोते मोहम्मद फातेह ने। तो ये इस्तांबुल है, ये तुर्की है, बीच में एक छोटा समंदर है, यहाँ एक जागीर है। तो सुल्तान सुलेमान कहता है ये जागीर तुझे वक्फ है, इधर से रूमी मुझे तंग करते हैं हमले कर करके, तू मेरा दिफा करते रहना, ये जागीर तेरी। तो उस जागीर पे ये इसने अपने काफिले को आबाद कर दिया, अपने कबीले को, और एक छोटी सी हुकूमत बना ली, जो एक सूबा समझो सुलेमान सलजूकी का, वो एक छोटा सा सूबा है। वहां जब ये रह पड़ा तो फिर ये एक शेख के बैत होता है, वहां शेख के तरीके में उनके ये बैत होने जाते हैं, वो उसको रात अपने पास ठहराता है। तो एक कमरे में उनको उनका खादिम ठहराता है। ये जब कमरे में जाता है तो सामने दीवार में ताकचे पर कुरान पड़ा हुआ है। तो ये तुगरक बेग कहता है ये क्या है, ये क्या है? तो वो खादिम कहता है ये किताबुल्लाह है, कुरान है। अच्छा। वो उसको वहां छोड़ के बाहर चला जाता है। वो देहाती आदमी, जंगल का रहने वाला, पहली दफा जिंदगी में कुरान देखा, वो कहता है ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, मैं अल्लाह की किताब के सामने सो जाऊं, कितनी बेअदबी है। तो उसने ऐसे कुरान उठाया और सर पे रख लिया और खड़ा हो गया, सारी रात कुरान सर पे रख के खड़ा रहा। रात के पिछले पैर उसको ख्वाब आया, खड़े खड़े उसने देखा कि उसकी पुश्त से एक चांद निकला और शेख की बेटी के सीने में जाके उतर गया, फिर उस लड़की के सीने से एक दरख्त निकला जो फैलते 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 तीन बर्रे आजम पे छा गया, अफ्रीका पर, यूरोप पर, एशिया पर। फिर उसकी आंख खुल गई, वो खड़ा हुआ है। तो उसने सुबह ये ख्वाब अपने शेख को सुनाया, तो उन्होंने अपनी बेटी उसके निकाह में दे दी। उस बेटी से एक बच्चा पैदा हुआ, तुगरल बेग ने उसका नाम रखा उस्मान, उस्मानी तुर्क। नाम सुनोगे, जो मैंने कल बताया था कि 1924 में वो खिलाफत ख़त्म हुई। तो एक बेटा पैदा हुआ उस्मान। उस्मान ने फिर एक नई इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी जो 1924 तक चलती रही, कोई 800 साल ये हुकूमत चली। तो हुकूमत का शिराजा बिखरा लेकिन फिर जुड़ जाता था, पर वो करने अव्वल वाला जोड़ कभी ना पैदा हुआ, टुकड़े बन गए। इन टुकड़ों में अल्लाह लोग पैदा करता रहा जो दावत देते रहे, दावत जिंदा रही, जो तरबियत का निज़ाम तसव्वुफ के साथ था अब वो तबलीग के साथ। दो लश्कर आपस में लड़ रहे हैं एक मैदान, एक जंगली बद्दुओं का काफिला, जंगल के लोग अपने कबीले को लेकर, एक जंगली कबीला अपने सरदार के साथ नकल मकानी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अल्लाह का निज़ाम कि ये लोग चलते 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 उस वादी में पहुंच गए जहां जंग हो रही है, दो लश्कर आपस में लड़ रहे हैं। जब ये वहां पहुंचते हैं तो एक लश्कर के कदम उखड़ रहे हैं और दूसरा गालिब आ रहा है। इनको नहीं पता शिकस्त खाने वाले कौन हैं और पता पाने वाले कौन है, इनको नहीं पता। इस जंगली कबीले के सरदार का नाम भी तुगरल है, तुगरल। तो ये सरदार कहता है जो शिकस्त खा रहे हैं उनकी मदद करो, कुछ पता नहीं कौन है, कहता जो शिकस्त खा रहे हैं इनकी मदद करो। तो 400 वैश्य जंगलियों ने
فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا۔ تو ایک کافی ہوتا تھا، 400 دوڑ دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا، بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا، اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا تو تم نے میری مدد کیوں کی؟ کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ اور اس نے اپنا تعارف کرایا، میں ہوں سلیمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ، مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست کھا رہا تھا، تاتاری فتح پا رہے تھے، مسلمان شکست کھا رہے تھے، تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے۔ تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہنا پسند کرو۔ کہنے کا کر لوں گا۔ تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا، اور استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا، اسے فتح کیا اس طغرل کے آگے چوتھے پانچویں پڑپوتے محمد فاتح نے۔ تو یہ استنبول ہے، یہ ترکی ہے، بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے۔ تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے، ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے، تو میرا دفاع کرتے رہنا، یہ جاگیر تیری۔ تو اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے قافلے کو آباد کر دیا، اپنے قبیلے کو، اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی، جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجو کی کا، وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے۔ وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیت ہوتا ہے، وہاں شیخ طریقہ تھے، ان کے یہ بیت ہونے جاتے ہیں، وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے، تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے۔ یہ جب کمرے میں جاتا تو سامنے دیوار میں تاکچے پر قرآن پڑا ہوا ہے، تو یہ طغرل بے کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ دیہاتی آدمی جنگل کا رہنے والا، پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا، وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے ادبی ہے۔ تو اس نے اسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور کھڑا ہو، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رہا۔ رات کے پچھلے پیر اس کو خواب آیا، کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا، پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین بر اعظم پہ چھا، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی، وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا، تو انہوں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی تھی، اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا، طغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان، عثمانی ترک نام سنو، جو میں نے کل بتایا تھا کہ 1924 میں وہ خلافت ختم ہوئی۔ تو ایک بیٹا پیدا ہوا عثمان، عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو 1924 تک چلتی رہی، کوئی 800 سال یہ حکومت چلی۔ تو حکومت کا شیرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا، پر وہ قرن اول والا جوڑ کبھی نہ پیدا ہوا، ٹکڑے بن گئے، ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے۔